एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा, इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, ये सारा कंफ्यूजन पूरे देश में, खासकर मुसलमानों में जो एक इनसिक्योर फीलिंग जो आई है, हमारे होम मिनिस्टर कलकत्ता में अपने भाषण में जो उन्होंने कहा था कि इन पांच छह धर्म के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। इसीलिए मुझे एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पता है, दोनों क्या डील करते हैं उसके बारे में पता है। मैं सिर्फ होम मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ, आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकर के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट हो भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं, कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमिटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, और सिलेक्ट कमिटी, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है, ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं, एनआरसी अलग प्रक्रिया। राइट, श्री स्वपन दास गुप्ता। टू दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर, टेकिंग इन टू अकाउंट द गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ 7 सितंबर 2015, in the is this gazette notification applicable to the whole of India? In that case, sir, why I am asking this is the NRC in Assam, in that case, should make a fundamental distinction between those who are illegal immigrants and those who are non-citizens. Right. Has that actually, that distinction, has it been made? If it has been made, sir, why are various people who are categorized in the Gazette notification, why are they being incarcerated? Mantri ji. Sabhapati Mahoday, jo NRC, Assam ke andar NRC ki prakriya hath mein li gayi, ek Supreme Court ke order ke tahat aur ek alag act ke tahat li gayi. एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है, और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल है।